नकली सोना बेच ज्वेलर्स दुकानदार को लाखों की ठगी कर फरार हुई महिला की हुई शिकायत पर दुर्ग पुलिस जांच में जुटी। वही महिला ने ज्वेलर संचालक को अपना पता दिल्ली का बताया हुआ है। ज्वेलरी शॉप में कुछ सोना एवं धातु के जेवर बेचकर 2 लाख से अधिक रुपए कीमत के सोने के लिए जेवरात खरीदकर ठगी करने वाली महिला के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। गंजपारा स्थित जेवर ज्वेलर्स के संचालक सुभाष संचेती की शिकायत पर पुलिस ने महिला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने बताया है कि सुभाष संचेती ने शिकायत दर्ज कराई कि 18 जुलाई की शाम को एक महिला सोने की अंगूठी और चूड़ी खरीदने के लिए आई हुई थी, जिसने पसंद आने पर सोने की अंगूठी और चूड़ी खरीद एवं अपने पास रखी पुरानी इस्तेमाली सोने की चेन बेची थी। उसने अपना आधार कार्ड दिया था, जिसमें उसका नाम रीमा देवी, पति गोलू पंडित, निवासी दिगंबर जैन, धर्मशाला के सामने चांदनी चौक, नई दिल्ली लिखा हुआ था। साथ ही उसने वर्तमान पता सुभाष नगर दुर्ग में भी लिखा हुआ बताया। महिला ने आधार कार्ड में अपना हस्ताक्षर करके भी दिया था। इस दौरान ठग महिला ने प्रार्थी से 2,18,000 रुपए में पुराना सोना खरीदा एवं उसके बदले में 2,15,000 रुपए मूल्य का अंगूठी, चूड़ी आदि दिया था। इस पर प्रार्थी ने महिला को 3,000 रुपए नगद भी भुगतान किया था। जब बाद में ज्वेलर संचालक ने सामानों की जांच की तो सोना नकली निकला। इस संबंध में दुर्ग से SP चिराग जैन ने मीडिया को जानकारी दी। कल थाना कोतवाली दुर्ग में एक मामला आया है, जिसमें एक महिला संज्ञान में यह आया है कि एक महिला कुछ व्यापारी से ठगी कर रही थी, उनको सबस्टैंडर्ड गोल्ड ज्वेलरी बेच रही थी और उसके बदले ओरिजिनल ज्वेलरी ले रही थी, तो उससे उनको काफ़ी घाटा हुआ और काफ़ी उनके साथ छल हुआ। तो इसी में जब किसी हमको सूचना मिली तो हमने इस पर FIR की और जो भी महिला इसमें इन्वॉल्व थी उसकी पतासाजी की जा रही है और अपना प्रयास किया जा रहे हैं, जैसे उसमें कुछ लीड मिलेगी तो हम आगे ही कर। लगभग कितने का मामला? लगभग 2 लाख रुपए का मामला। ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।